हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन माय चैनल लक्स क्लासेस। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड टुडे इन दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू डिस्कस लंग वॉल्यूम्स एंड लंग्स कैपेसिटीज। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द लंग वॉल्यूम एज वेल एज द लंग कैपेसिटी। इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि लंग्स का वॉल्यूम क्या होता है और लंग्स की कैपेसिटी क्या है। जैसा कि लिखा है, नाम से इंडिकेट है, ह्यूमन लंग्स कैन नाइदर बी कंप्लीटली फिल्ड विथ एयर नॉर कंप्लीटली एम्प्टाइड। मनुष्य का जो लंग्स होता है, जो ह्यूमन के लंग्स होते हैं, कैन माने सकना, नाइदर माने ना तो, कंप्लीटली माने पूरी तरह से फिल्ड माने भरते हैं। मनुष्य के जो लंग्स होते हैं, मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं, वह ना तो मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं वह ना तो कभी पूरी तरीके से भर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं वह कभी भी पूरी तरह से भरते नहीं है या भरा नहीं जा सकता है। विथ एयर माने वायु के साथ, नॉट कंप्लीटली एम्प्टाइड और ना ही उसे पूरी तरीके से खाली किया जा सकता है। इसको ऐसे समझिए, मनुष्य के लंग्स को कभी भी किसी भी प्रकार से ना तो पूरी तरह से भरा जा सकता है और ना ही पूरी तरीके से खाली किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट लंग वॉल्यूम्स आर, जो महत्वपूर्ण लंग्स के वॉल्यूम हैं वो नीचे दिए जा रहे हैं। पहला है रेजिडुअल वॉल्यूम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, रेजिडुअल माने अवशेष, बचा हुआ। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग्स। यह वायु की वह मात्रा होती है जो हमेशा लंग्स यानी फेफड़े के अंदर पाई जाती है। दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसको हम कभी भी बाहर निकाल नहीं सकते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स के अंदर पाए जाने वाली वायु की वह मात्रा है, एयर की वह मात्रा है, जिसको हम कभी बाहर निकाल नहीं सकते हैं। अगला है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, अब्लिक से कहते हैं सप्लीमेंट्री एयर। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग्स। यह वायु की वह मात्रा होती है जो लंग्स के अंदर पाई जाती है। बट कैन बी रिमूव्ड फोर्सिबली, लेकिन इसको बल लगा करके बाहर निकाला जा सकता है। रेजिडुअल वॉल्यूम की जो मात्रा होती है वो होती है 1200 ml, और ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की मात्रा होती है 1100 ml। सो द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग्स बट कैन बी रिमूव्ड फोर्सिबली। यह वायु की वह मात्रा होती है जो लंग्स के अंदर हमेशा मौजूद होती है, लेकिन इसको बल लगाकर बाहर किया जा सकता है। अगला है टाइडल वॉल्यूम। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर, या वायु की वह मात्रा होती है विच इज टेकन इन। यह वायु की वह मात्रा होती है जिसको विच इज टेकन इन, जिसको अंदर लिया जा सकता है, एंड गिवन आउट माने बाहर निकाला जा सकता है ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग। इसको ऐसे कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम वायु की वह मात्रा है जो सामान्य श्वसन के दौरान अंदर और बाहर ली जाती है, उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। अगला है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब्लिक से कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एयर, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फिल्ड इन द लंग्स फोर्सिबली अबव द टाइडल वॉल्यूम। यह वायु की वह मात्रा होती है जो लंग्स के अंदर बलपूर्वक भरी जाती है, जो कि टाइडल वॉल्यूम के ऊपर होती है। टाइडल वॉल्यूम में क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ एयर जो होती है लंग्स के अंदर नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान, सामान्य ब्रीदिंग के दौरान जो सांस लेते हैं वो टाइडल वॉल्यूम है। लेकिन अगर हम जबरदस्ती या ताकत लगा करके बलपूर्वक वायु को और ज़्यादा अंदर ले जाएं, तो उसे कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यह वायु की वह मात्रा होती है जो लंग्स के अंदर बल लगाकर फोर्सिबली टाइडल वॉल्यूम के ऊपर भरा जाता है। बाई कंबाइनिंग टू आर मोर लंग वॉल्यूम्स,
दो अथवा दो से ज्यादा लंग्स के आयतन को जोड़कर लंग्स कैपेसिटी इज ऑब्टेंड, लंग्स की क्षमता को हम प्राप्त करते हैं। इसे एग्जांपल है वाइटल कैपेसिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इन एंड गिवन आउट विद फुल एफर्ट्स। वाइटल कैपेसिटी क्या है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इन एंड गिवन आउट विद फुल एफर्ट्स। ये कह रहे हैं वायु की वह सर्वाधिक मात्रा जो पूर्ण प्रयास के दौरान अंदर और बाहर की जाती है, अंदर ली जाती है और बाहर ढकेली जाती है, उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मीन्स दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, वायु की वह मात्रा, दैट कैन बी टेकन माने जिसको अंदर लिया जाता है, एंड गिवन आउट माने बाहर निकाला जाता है, विथ फुल एफर्ट्स, विथ माने साथ, फुल माने पूर्ण एफर्ट्स माने प्रयास। तो कुल मिलाकर के पूर्ण प्रयास करने के पश्चात, पूर्ण प्रयास करने के पश्चात वायु की वह मात्रा जो अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है उसे वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इन। यह वायु की वह मात्रा होती है, यह वायु की वह सर्वाधिक मात्रा होती है, यह वायु की वह सर्वाधिक मात्रा होती है। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इन। यह वायु की वह सर्वाधिक मात्रा होती है जो अंदर ली जाती है, आर कैन बी फिल्ड इन लंग्स, जो लंग्स के अंदर भरी जाती है, विथ फुल एफर्ट्स माने पूर्ण प्रयास के पश्चात। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम तमाम रिस्पिरेटरी कैपेसिटीज को दिखाया गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, IRV देखिए नीचे चलते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1200 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। यह वायु की वह मात्रा होती है जो हमेशा लंग्स के अंदर पाई जाती है, जिसको हम बाहर निकाल नहीं सकते हैं, उसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, लगभग 1200 ml होती है। ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यह वायु की वह मात्रा होती है जो हमेशा लंग्स के अंदर होती है, लेकिन बल लगा करके इसको बाहर निकाला जा सकता है, 1100 ml होती है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml, ERB एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है 1100 ml, टाइडल वॉल्यूम जो है 500 ml है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एयर व्हिच इज टेकन इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, जैसा कि ऊपर मैंने सब समझा दिया है। टाइडल वॉल्यूम जो है एक सामान्य श्वसन के दौरान अंदर और बाहर ली जाने वाली वायु की मात्रा को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, वो 500 ml होती है। IRV इसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यह वायु की वह मात्रा होती है जो लंग्स के अंदर बल लगा करके टाइडल वॉल्यूम के ऊपर, यह वायु की वह मात्रा होती है जो लंग्स के अंदर बल लगा करके भरी जाती है, और इसका वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम के ऊपर होता है, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम में नॉर्मल एयर आएगी। ठीक है, इस तरह से आप जोड़ देखिए। रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml याद रखिएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ml है, टाइडल वॉल्यूम जो है 500 ml है, और IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है 3000 ml है। अब देखिए ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम को अगर ऐड कर दिया जाए तो इसे कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। 1100 ERV है, 1200 रेजिडुअल है, तो जोड़ के हो गया 2300। IRV और टाइडल वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा 3500 ml। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना हो जाएगी? 3500। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितना हो गई? 2300। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इन एंड गिवन आउट विद फुल एफर्ट्स। वाइटल कैपेसिटी क्या होगी? 3500 प्लस ERB जोड़ेंगे इसमें, 3500 में 1100 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4600। ये है वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा? ये 4600 में ये नीचे वाला जोड़ देंगे 1200 क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये देखिए
इतना तो टोटल लंग, यहाँ तक तो वाइटल कैपेसिटी यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक वाइटल कैपेसिटी में आएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी टोटल 2300 आएगा। लेकिन अगर वाइटल कैपेसिटी निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस ERV, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस ERV दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी CL UCML, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी जोड़ेंगे तो क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यानी 4600 प्लस 2300 आ जाएगा, 4600 प्लस 1200 जोड़ेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ेंगे आ जाएगा 5800। इसको याद रखिएगा, यह टोटल लंग कैपेसिटी कितना है, 5800, 5800, वाइटल कैपेसिटी कितनी है 4600, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3500, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितना है 2300। IRB और टाइटल वॉल्यूम जोड़ देंगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी 3500, ERB और रेजिडुअल जोड़ देंगे तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाएगी 2300। वाइटल कैपेसिटी में जो है इंस्पायरेटरी प्लस ERB जोड़ देंगे तो आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी निकालने के लिए वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम यानी 4600 प्लस 1200 जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी 5800 TLC में टोटल लंग कैपेसिटी, IRB में होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERB माने होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो दैट्स ऑल अबाउट द टोटल लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है ये पूछते हैं, ERB क्या है ये पूछा जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है ये भी पूछा जाता है, IRB क्या है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स क्या है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी क्या है ये भी पूछा जाता है। So that's all about the lungs volume and lung capacity. Thanks to all of you watching the video. आप लोग इस चैनल पे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करते करिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स इस पर अपलोड होते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।